हेलो एवरीवन, नमस्कार। सर्मनर्सर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ विष्णु। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्लान लेके आया हूँ जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ बहुत ही बढ़िया प्लान, बहुत ही खूबसूरत प्लान के साथ। ये प्लान जो है बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लान है, कोई भी ग्रो कर सकता है। आप बहुत बिजी रहते हैं लाइफ में तब भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस खूबसूरत प्लान का नाम है अल्ट्रा नैंट्रा। अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो उसको जो नर्सरी वाले हैं उनको आपको बोलना पड़ेगा, नैंट्रा प्लान के नाम से जानी जाती है नर्सरी में। और ये इसकी खासियत क्या है कि वो मतलब विंटर में क्या होती है कि इसकी जो है कलर पिंक हो जाती है, ठीक है। और जब समर आते रहे, जितनी गर्मी में इसको रखेंगे, समर जितने आते रहेंगी, इसका कलर जो है ग्रीन हो जाएगा, पिंक से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो इसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रोपागेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ रखना है ये डिस्कस करेंगे, और सनलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉटिंग मिक्स से। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोटिंग मिक्स जो है वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। वेल ड्रेन का मतलब क्या होता है कि वेल ड्रेन का मतलब क्या होता है, जब आप हम लोग कोई भी पानी उसमें डालेंगे, पानी डालते हैं तो नीचे से जो ड्रेनेज होल होता है वहाँ से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, वेल ड्रेन सॉइल के लिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है गोबर खाद लेना है 30% और गार्डन सॉइल आपको लेना है 70%। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये फ्रेंड्स मैं लगाया था 4 फरवरी 2021 को, ठीक है। और ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ आज का डेट है 27 मई। तो अभी गर्मी का महीना चल रहा है, मैंने इसको ठंडी के महीने में लगाया था। तो हम लोग सिलीगुड़ी एरिया में क्या होता है, फरवरी ठंडा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की प्लांट थी ये, ठीक है। अभी ये सेम प्लांट है, आपको देखने में आपको विश्वास नहीं होगा कि वो सेम प्लांट ही है, लेकिन वही प्लांट है जो पिंक था, अभी ग्रीन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको कैसे लगाना है, वही पॉटिंग मिक्स में लगाना है, 70% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट में आपको लगाना है। बहुत इजी है, वो आपको मिक्सर बन गया है। और देखिए आराम से इसको प्रोपगेशन भी आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे ऐसे डीप होल कीजिएगा, आराम से ऐसे करके लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आराम से ऐसे करके आपको लगा देना है। प्रोपगेशन क्या है, आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। इसका जो स्टेम कटिंग है, आप नर्सरी से लेके आइए या आपका फ्रेंड के घर से लेके आइए, कहीं भी आपको मिले, कुछ नहीं करना है। उसका स्टेम कटिंग कैंची से हो, चाकू से हो, या हाथ से तोड़ के आप ला सकते हैं घर में, आराम से लाइए। और मैं जो पोटिंग मिक्स का आपको बताया हूँ उसमें लगा दीजिए फ्रेंड्स। मैं जो वीडियो अभी कर रहा हूँ वो बीच का वीडियो मेरे पास नहीं है, डायरेक्ट जब बड़ी होगी, मैं बाहर चला गया था आउट ऑफ स्टेशन, तो मुझे वो बीच का जो इसका जो पीरियड है वो मैं वीडियो नहीं कर पाया, ये वीडियो कर पाया। उसके बाद डायरेक्ट जो वीडियो दिखा रहा था मैं पहले स्टार्टिंग में, वही मेरे पास है। लेकिन बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लान और बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। इसकी जो पिंक कलर है देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्लान होती है। अब इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, हैंगिंग पॉट में लगाइए, इतना खूबसूरत दिखती है फ्रेंड्स। अब मैंने आपको बता दिया पॉटिंग मिक्स के बारे में। और ये देखिए वेल ड्रेन, देखिए नीचे से पानी निकल रही है, ये होती है वेल ड्रेन सॉइल। आपको नीचे से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। नीचे से पानी नहीं निकलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, रूट रोटिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, रूट रोटिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका जो प्लांट है जो मर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको वेल ड्रेन सॉइल लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं सनलाइट, अब इसको कहाँ रखना है इसका बात करते हैं, और वाटरिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वाटरिंग के बारे में बात करते हैं, पानी के बारे में बात करते हैं। तो पानी जो है, जब भी आप कोई भी स्टेम कटिंग लगाते हैं तो पहले क्या होता है, जब स्टेम कटिंग लगाते हैं अच्छी पॉटिंग मिक्स के साथ जो मैंने आपको बताया वहाँ लगाएंगे, तो आपको अच्छी तरह से पानी देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 2-3 दिन इसको आप ऐसी जगह में रखिएगा जहाँ धूप कम आती है, ठीक है, धूप कम आती है वैसी जगह में रखिएगा। और उसके बाद उसको पानी अच्छी तरह से दे के उसको 3-4 दिन कोई इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और पानी जो है, जब भी देंगे पानी, आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि नीचे से जो है पानी ड्रेन आउट हो जाए। ड्रेन आउट नहीं होगी तो उसकी रूट रोटिंग होने का चांसेस रहता है और प्लान मरने का चांसेस भी रहता है। तो अब बात करते हैं सनलाइट। सनलाइट जो है इस प्लान के लिए सनलाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ठंडी के दिनों में क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख सकते हैं उसको, ठंडी के दिनों में आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं।
लेकिन गर्मी के दिनों में आप डायरेक्ट नहीं रख सकते, आपको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है। ब्राइट लाइट का मतलब क्या होता है, बैल्कनी में रख सकते हैं या ऐसी जगह में रख सकते हैं कि इसको 3 से 4 घंटा मतलब ब्राइट लाइट मिले। अगर आपको बाहर ही रखना है तो आप बाहर रख सकते हैं, लेकिन किसी के जो बड़े बड़े पेड़ की छाँव में रख सकते हैं या फिर ऐसी जगह में रख सकते हैं जहाँ 3 से 4 घंटा का मॉर्निंग सनलाइट उसको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, विंटर में आपको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं और समर में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते। अगर समर में बाहर रखना है तो कोई पेड़ की छाँव में रखेंगे या फिर ऐसी जगह में रखेंगे जो मॉर्निंग सनलाइट उसको, सुबह की जो सनलाइट है, सुबह की जो धूप, तीन चार घंटे का धूप जो है वहाँ आपको रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्लांट बहुत अभी आपको ग्रीन दिख रहा है, इसलिए इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है। जब ठंडी की मौसम आती आएगी और ये पिंक कलर की होगी फ्रेंड्स, इतना बढ़िया दिखती है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है और बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है। नर्सरी में इसको आपको 30-40 रुपये में मिल जाएगी। अगर एक प्लांट लाएंगे तो आपका घर भर जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने इस वीडियो में मैं आप सब कुछ बता दिया है प्लांट केयर के बारे में। हाँ, फर्टिलाइज़र जो है, इस प्लांट को मैंने फर्टिलाइज़र गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट ही देता हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता मैं। हो सके तो दोस्तों आप भी यूज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी सवाल रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।